हेलो क्लास सेवेंथ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ योर अमित सर। बेसिकली ये बहुत गर्व की बात है कि आप अपने घरों में रह करके इस बड़ी महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए इतना लगातार मेहनत। यू आर कंटिन्यूइंग डूइंग योर वर्क फ्रॉम होम और इसमें आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर विद यू ऑल गाइज। ओके, पूरा CBSE परिवार, ठीक है। MD सर इतना मेहनत करते हैं, हम टीचर्स मेहनत करते हैं वो आपके लिए। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि धनंजय सर जो थे, तो शायद उनके साथ कुछ समस्या आ गई है जो कि उसको कंटिन्यू कर पा नहीं रहे हैं। तो ये हम साइंस हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। आई होप कि चैप्टर वन आप लोग क्लियर कर चुके होंगे और हम चैप्टर टू पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बाय अमित सर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर करने होंगे जो कि हम डिटेल में उसे पढ़ेंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन फर्दर क्लासेस, ओके, ऑफ साइंस। सभी बच्चे मुझे क्लियरली एकदम दिखाई दे रहे हैं, क्लास सेवेंथ के जो है, दीपांशु है, फातिमा एंड ऑल, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ साइंस। चैप्टर टू डिस्कशन करेंगे हम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है। क्या कह रहे हैं कि आप प्रीवियस जो चैप्टर होगा उसमें पढ़े होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, हाउ दे मेक देयर ओन फूड बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से वो कैसे खाना बनाते हैं, जबकि कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मीन्स वॉट, जो कि वो जीव जंतु या वो प्लांट जो कि दूसरे पर निर्भर होते हैं, एंड ऑटोट्रॉप्स वो खुद पर निर्भर होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो जो पोषण पोषण होता है एनिमल्स में वो कैसे होता है, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। आते हैं, देखिए उसके कुछ तरीके हैं। कह रहे हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, पहली बात की न्यूट्रिशन तभी होगा जबकि उसकी एक 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 प्रोसेस होगा। पहले भोजन अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, आपको एनर्जी मिलेगी, उससे पोषण प्रोवाइड होगा, ठीक है, बॉडी को। तो ये सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस इट अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है क्लास सेवेंथ। चलिए, अब कहता है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट जो जंतु होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग उनको खाना बॉडी में लेने का तरीका होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे यहाँ पे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स का नेक्टर होता है, रस होता है, वो एक तरीका होता है बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं उनको अपने बॉडी में लेने का, ठीक है, मतलब ये इनका इंटेक करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। सक मीन्स वॉट, अंदर लेते हैं द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो शिशु होते हैं ना, बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका तरीका अलग होता है, वो मदर के मदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मदर्स के मिल्क को वो इंटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये इनका अलग तरीका होता है। और दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे कि स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, ठीक है। अब बात करते हैं, तीसरी पॉइंट ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम वेज पढ़ रहे हैं ना, वेज ऑफ इनटेकिंग फूड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। तो आपने पहला देखा कि जो बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर लेते हैं, ठीक है, बेबी इन्फेंट्स जो होते हैं वो मदर्स के मिल्क पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, फीड करते हैं। एंड थर्ड वन इज स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, ठीक है, मतलब वो जो स्नेक्स होते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं, पाइथन्स होते हैं, क्या करते हैं वो
स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं जो वो शिकार करते हैं, ठीक है, उन पशुओं उन जंतुओं का जो शिकार करते हैं। तो ये तरीका है उनको अंदर लेने का, क्लियर है। तो थ्री, अब हम यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल कुछ मछलियों की प्रजाति, स्पेसीज ऑफ द फिश, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी में फ्लोट करते कुछ वस्तुओं को, कुछ चीज़ों को वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को क्या करते हैं अपने अंदर वो फिल्टर कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं अंदर, ठीक है। फिल्टर टीनी फूड्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन नियर बाई एंड फीड अपॉन दम, क्लियर गाइज। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ बर्ड्स के बारे में बात हुआ, रेप्टाइल्स के बारे में बात हुआ, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात हुआ, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, चार पॉइंट्स तो आपने देखा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे आप लोगों को क्लियर ना आया हो, समझ में ना आए, यू कैन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इट वेरी सून, ओके। जहाँ आप लोगों को क्वेरीज कोई भी हो क्लास 7th, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए। देखिए यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि ए क्या हमें पढ़ना है आगे, फर्दर व्हाट आई हैव टू सॉरी व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा बिल्कुल, और जहाँ आपको साफ क्लियर ना हो वहाँ आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे कर दूंगा। पहला है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन में डाइजेशन जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स है, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, स्टोमक, हम अपने पेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पेट मीन्स वॉट, द पार्टिकल्स सॉरी द थिंग्स विच आर इन साइड द स्टोमक, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, वॉट वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टोमक, वॉट आर द पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं, अब सी वाला पॉइंट कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टोमक, है ना, जो छोटे आंत होती है हमारे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन। डी एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, मतलब वो अपना काम किस प्रकार करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके ठीक है, और एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्लियर है। इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एनर्जी लेवल को कैसे वहाँ से बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है आपके मुंह से शुरू होता है, यू नो वेल इन नाइट क्लासेस आल्सो यू स्टडीड अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं बार बार नाइट क्लास की जिक्र इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। क्लास 7th ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये आपके आगे बहुत सारे काम आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा एफ वाला जो होगा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये तो हुआ हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, घास खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ओके। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा यू नो वेल दैट सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीबा, ठीक है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है फीडिंग, वो अमीबा कैसे खाते हैं, ठीक है, कैसे फूड्स को इंटेक करते हैं और इनमें डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, चूंकि ये क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब यू कैन नॉट सी इट विथ योर नेक्ड आइज, ओके, खुली आंखों से इसको आप देख नहीं पाएंगे, यू कैन सी इट बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके गाइज। सो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा हम पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि आज का ये जो हमारा टॉपिक था आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और बेसिकली जो भी डाउट्स आपके आए
तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनेटली कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट क्लास. ओके गाइज, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल.